Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well and having a great day. So today we will be making beef burgers at home. Ji haan, beef burger banate hain ghar pe. But before starting the video, don't forget to like, share, comment and do subscribe the channel if you haven't done it yet. So let's start. ये बीफ है और इसको मैंने वॉश कर लिया है सही से. अब इसको पीसना है. बीफ ग्रेंड हो गया है. अब इसमें हम मसाले डालेंगे ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले तो अदरक लहसुन डालेंगे सही से और बीफ के लिहाज से हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे. देन वी विल बी एडिंग ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे. उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे. दैट वी विल बी एडिंग लाल मिर्ची और लाल मिर्ची जो है वो अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे. अगर थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा ऐड करेंगे वरना मॉडरेट से ऐड करेंगे. उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे. हल्दी 1/2 टेबल स्पून भी इनफ है. एंड देन उसके बाद हम जो है ये धनिया पाउडर ऐड करेंगे. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट नमक. नमक हम अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे. उसके बाद आई हैव गॉट दिस बारबेक्यू सॉस. ये आराम से आपको मिल सकता है किसी भी शॉप से. हम इसको ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस टू मेक इट वेरी सॉसी एंड जूसी. उसके बाद वी विल आल्सो बी एडिंग अ बिट ऑफ सोया सॉस टू मेक इट वेरी जूसी और टेंडर और बहुत ज़्यादा जो है मज़े का. और साथ में वी विल आल्सो बी एडिंग चिली सॉस. लास्टली वी विल बी एडिंग वाइट पेपर्स टू एनहेंस द फ्लेवर. See, these are all the ingredients that are added and now we will mix it properly. और उसके बाद उसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. मैंने इसको जो है 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा. उसके बाद पेटीज बनाई थी मैंने. अच्छा जी, आफ्टर 1 आवर मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं इसमें एक एग डाल रही हूँ फॉर द बाइंडिंग. ओके, सो दिस इज द बैटर फॉर दी पेटीज एंड नाउ वी विल बी मेकिंग पेटीज ऑफ इट. अच्छा, ये थोड़ा सा जूसी है बहुत ज़्यादा. ज़ाहिर है इसमें जो है हम लोग ने लिक्विड चीज़ें डाली हैं तो, लेकिन ये आराम से आप इससे पेटीज बना के फिर पेटीज को थोड़ी देर आप छोड़ेंगे इसको और उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे तो ये आराम से फ्राई हो जाएगा. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसमें से जो एक्स्ट्रा जो भी है जो पानी निकल रहा है उसको निकाल के उसके बाद ही पेटीज बनाएं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फ्राई करते वक्त. Thank you.
मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और वेट नहीं हो रहा था, तो हम लोग बहुत सारे कबाब जो हैं बीफ पेटीज बीफ कबाब को टेस्ट भी कर चुके हैं एंड दीज आर लेफ्ट फॉर द बर्गर्स टुनाइट। और जो है ये देख सकते हैं आप, आराम से फ्राई हो गया, इट वॉज़न वेरी डिफ़िकल्ट। बट फ्राई करते वक्त आप इसको अगर ढक दें तो वो सही से गल भी जाएगा और आराम से फ्राई हो जाएंगे। एंड दीज आर द पेटीज एज यू कैन सी, सो नाउ लेट्स मेक बर्गर्स फ्रॉम दैम। सो इफ फ्राई करते वक्त डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप इसको जो है कोट भी कर सकते हैं एग में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, सो दीज आर द आइटम्स दैट आई हैव गॉट ओनली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ना हमें सलाद पत्ता मिल पाया और ना ही हमें खीरा मिल पाया, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज लेट फ्रॉम हिज वर्क एंड ऑन हिज वे बैक ही वॉज अनएबल टू फाइंड एनी ऑफ द वेजिटेबल वेंडर। तो जो है मेरे पास सिर्फ हैं ये हैं, टोमेटोज हैं और पेटीज हैं, ऑफ कोर्स चीज़ है एंड दीज बंस। और उसके बाद अभी हमने जो है पेटी और टोमेटो ऐड करे हैं इसमें एंड नाउ वी आर एडिंग चिल्ली गार्लिक ऑन इट टू मेक इट अ बिट लिटिल स्पाइसी। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है वो कबाब्स बीफ पेटीज जो बने हैं वो बहुत ही जूसी बने हैं, बहुत ही टेंडर बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, क्योंकि हम लोग ने केचप के साथ भी इन्जॉय किया था सिर्फ एज अ कबाब और बहुत मज़े के लगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। एंड नाउ आई हैव एडेड अ बिट ऑफ सॉस, और जो के सॉस जो बारबेक्यू सॉस था उसको मैंने निकाल के रखा था, और बारबेक्यू सॉस में थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया हुआ था मैंने और उसको मिक्स करके रखा हुआ था, तो वो भी ऐड किया है मैंने, और ये मैंने चीज़ ऐड की है। एंड नाउ द बर्गर इज रेडी। adding ketchup in the next one because meri sister ko ketchup acha nahi lagta hai, so not adding any ketchup on it, we will just add some sauce। This is how the burger looks। थोड़ा सा जो है भन बहुत ज़्यादा ही नरम और बहुत ज़्यादा ही खस्ता था, इसलिए वो जो है कटने में वो टूट रहा था, बट इट लुक्स यमी। खाते हुए बहुत मज़ा आया, वेरी डिलिशियस, बहुत मज़े का था, टेंडर जूसी और उसके बाद भन भी नरम था, तो खा के मज़ा आ गया। सो वी वॉन्ट टू हैव मोर, सो लेट्स मेक वन मोर और उसके बाद फिर मैं अपना बर्गर भी इंजॉय करती हूँ जो कि मैंने कट करके दिखाया, मैंने अभी तक खाया नहीं। And here my husband is that asking me to add some chili flakes as well to make it more spicy because he loves spicy food, so I added chili flakes in this one, adding garlic sauce along with that sauce, barbecue aur soya sauce ka jo mixer tha wo act kar raha hai, aur uske baad the burger is ready and let him enjoy it। ओके जी, तो प्रोबेबली द लास्ट बर्गर फॉर टुनाइट इज़ रेडी एंड आई गेव हिम टू माइक्रोवेव इट। और जब तक मैंने सोचा मैं ये स्पेस साफ कर दूँ बिकॉज आई डोंट लाइक डर्टी किचन, एंड उसके बाद ही मैं अपना बर्गर इन्जॉय करूँगी। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द रेसिपी, माई एक्सपीरियंस, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट, एंड कांट वेट टू सी यू ऑल अगेन। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम। जाने से पहले ये लास्ट बर्गर का व्यूज देखते हुए जाएं एंड दैट्स गॉट इट, एंड सी यू गाइस, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।